दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूं आपके साथ आपका दिव्यांशु जायसवाल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है जो नागपुर में खेला गया, जहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से रौंदा और एक पारी और 132 रनों से हराकर चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जो बढ़त है वो बना ली है। अब जो दूसरा मुकाबला है वो 17 फरवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है, जहां पर जो तैयारियां दोनों टीम अपनी अपनी अच्छे से कर रही हैं, क्योंकि 3 दिन में ये मैच खत्म हो चुका था तो भारतीय टीम को और ऑस्ट्रेलिया टीम को अच्छे से रेस्ट मिल चुका है और उन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए पूरी कर ली हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो हार के बाद बौखला गई है और प्लेइंग 11 में चेंजेस करने के लिए उतारू है, क्योंकि डेविड वार्नर उस तरह के फॉर्म में नहीं है, तो कहा जा रहा है कि शायद डेविड वार्नर जो है ड्रॉप हो सकते हैं, ट्रेविस हेड उनकी जगह आ सकते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर्स के साथ जा सकती है, तो शायद एस्टन एगर की जो है वापसी हो सकती है। वहीं अगर बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम ने इस पहले टेस्ट मैच में अपना दबदबा कायम रखा और पूरी तरह से डोमिनेट जरूर किया ऑस्ट्रेलिया को, बट बैटिंग में कहीं ना कहीं कमी नजर आई। अगर रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को छोड़ दे तो बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया। स्पेशली जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी तरह से जो है नेस्ता नाबूद हो गया, क्योंकि बात करें अगर चेतेश्वर पुजारा की, बात करें विराट कोहली की, बात करें सूर्य कुमार यादव की, उसके बाद केएस भरत, ये जो चारों बल्लेबाज हैं वो उतने ज्यादा रन जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। बट दूसरे टेस्ट मैच में जो वापसी की गुंजाइश थी श्रेयस अय्यर की, जी हाँ, श्रेयस अय्यर टेस्ट फॉर्मेट में बहुत समय से टीम इंडिया का परमानेंट हिस्सा है, प्लेइंग 11 का हिस्सा है, बट जब जनवरी में जो ODI सीरीज हुई थी वहां पर श्रीलंका के खिलाफ उनके बाद, उस सीरीज के बाद उन्हें पीठ में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे और NCA में फिलहाल वो जो है रिहैब कर रहे हैं बेंगलोर में। और बट उम्मीद की जा रही थी कि शायद सेकेंड टेस्ट से वो वापसी कर जाएंगे और अगर वो वापसी करते तो सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस करते और सूर्या को वापस जो है डगआउट में बैठना पड़ता। बट अब ये रिपोर्ट आ रही है कि श्रेयस अय्यर अभी भी फिट नहीं है पूरी तरह से और शायद वो दूसरा मुकाबला भी मिस करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है भारतीय टीम के लिहाज से, क्योंकि श्रेयस अय्यर जिस तरह के फॉर्म में है, चाहे वो तीनों फॉर्मेट की बात करें बहुत अच्छे फॉर्म में है, बट चोट के चलते वो अभी NCA में रिहैब कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद सेकेंड टेस्ट वो नहीं खेलेंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद वो तीसरे टेस्ट में जो इंदौर में होने वाला है होलकर स्टेडियम में, वहां से वापसी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर श्रेयस अय्यर के बारे में क्या रिपोर्ट आ रही है। तो आपको बता दें कि समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर NCA में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी के मानदंड के अनुसार उन्हें कम से कम एक घरेलू मैच खेलना जरूरी होगा, इसलिए अय्यर को सीधे टेस्ट मैच में नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि इसमें उन्हें 90 ओवरों के लिए फील्डिंग करनी होगी और लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है। तो इस वजह से शायद जो श्रेयस अय्यर हैं वो 1 मार्च से MP के खिलाफ जो ईरानी कप होने वाला है रेस्ट ऑफ इंडिया का, उसमें शायद आपको शिरकत करते नजर आ सकते हैं और उसमें खेलने के बाद अगर वो मैच वो खेलते हैं तो वो तीसरा टेस्ट मैच भी मिस करेंगे, क्योंकि 1 से 5 मार्च के बीच भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच खेलेगी इंदौर के होलकर स्टेडियम में। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद श्रेयस अय्यर को डायरेक्टली टेस्ट मैच में नहीं उतारा जाए और अगर वो ईरानी कप का जो मैच खेलते हैं तो शायद फिर वो चौथे टेस्ट में ही वापसी करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि चौथे टेस्ट से भी उन्हें रेस्ट मिल जाए। तो अब लगभग ये नजर आ रहा है कि सूर्या जो है सीरीज में कंटिन्यू बने रहेंगे और उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। हालांकि पहले मैच में 8 रन के सस्ते स्कोर पर नेथन लायन की बॉल पर जो है बोल्ड हो गए थे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, श्रेयस अय्यर दूसरा टेस्ट में लगभग नहीं खेलेंगे तो आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव अपने आप को साबित कर पाएंगे इस रेड बॉल फॉर्मेट में, क्योंकि T20 में तो उन्होंने अपने आप को ऐसा साबित किया है कि फिलहाल वो ICC के नंबर 1 T20 बैटर हैं, बट रेड बॉल फॉर्मेट पूरी तरह से अलग हो जाता है, तो देखना होगा कि सूर्य कुमार यादव अब किस तरह से परफॉर्म करते हैं बाकी बचे हुए टेस्ट मैचों में। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।